नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल विजय सफल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चार जो बाहरी ग्रह हैं, जो जैविन ग्रह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पिछले स्टूडेंट्स जो ग्रह आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह जो भी है, वो स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा दिया है। यदि आप पूरा यूनिवर्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पिछले वीडियो देखिए और फिर इसके साथ रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज इन ग्रहों के बारे में बात करते हैं। कॉपी पेन उठाइए, मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। स्टूडेंट्स पहले समझिए, उसके बाद लिखिए। देखिए, यहाँ पे दर्शाए गए हैं भीतरी ग्रह, चार भीतरी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। स्टूडेंट्स भीतरी ग्रह क्यों कहते हैं या पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये पत्थर के बने हैं, इनकी सतह है। इट मीन्स कह सकते हैं स्टूडेंट्स सूर्य के पास हैं, एनर्जी, उष्मा, गर्मी किसी भी चीज़ के बिल्कुल पास होती है तो उसको ठोस बना देती है। देखिए थोड़ा दूर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, थोड़ा सूर्य से दूरी ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स ये गैसीय ग्रह हैं, सतह नहीं है, पत्थर नहीं है, गैस है। तो स्टूडेंट्स इनको बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। देखिए दूरी के हिसाब से सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स बुध सूर्य के पास, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आते हैं। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछा जाए सूर्य से दूरी के हिसाब से तो आप बताएंगे बुध सबसे पास है सूर्य के, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार के हिसाब से यदि आपसे पूछा जाए आकार के हिसाब से इनको उतरते क्रम में सजाइए तो स्टूडेंट सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, नोट करेंगे सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी जो बाहरी ग्रह है या जैविन ग्रह हैं, ये देखिए स्टूडेंट सबसे बड़े हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स पृथ्वी बड़ी है, उसके बाद नंबर 6 पे शुक्र, नंबर 7 पे मंगल और नंबर 8 पे बुध। आकार के हिसाब से यदि आपसे पूछा जाए तो आपको इस तरह बताना है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, सिर्फ दो ग्रहों को छोड़ देंगे। किस किस को? आपके शुक्र ग्रह और आपके अरुण ग्रह, ये दो ग्रह स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं सूर्य की। बाकी जितने भी ग्रह आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। तो स्टूडेंट्स दो ग्रह, एक आपका शुक्र और एक आपका अरुण, आप इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सेकंड लास्ट और सेकंड, सेकंड और सेकंड लास्ट हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं सूर्य की, बाकी सभी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब कॉपी पेन उठाइए और बृहस्पति ग्रह के बारे में, शनि ग्रह के बारे में, अरुण ग्रह के बारे में और वरुण ग्रह के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हमारा यूनिवर्स का चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स बृहस्पति के बारे में लिखिए, अभी मैंने बताया सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, गैसों से बना है, कहीं ना कहीं देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पांचवें स्थान पे, ये यहाँ पे इसका उपग्रह दर्शाया गया है। सबसे बड़ा ग्रह स्टूडेंट्स कौन सा है? आपका बृहस्पति है। देखिए स्टूडेंट्स ये 11.86 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। कहने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, जो जो दूरी बढ़ेगी, सूर्य से दूरी बढ़ेगी, परिक्रमा करने की अवधि बढ़ेगी, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है उस वजह से। तो स्टूडेंट्स 11.86 वर्षों में ये एक परिक्रमा करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पे हेरिंग लाइन के नोट कीजिए, पहले पढ़ाते थे कि बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह 67, स्टूडेंट्स अब बृहस्पति नंबर 2 पे आ गया है। पिछले महीने का जो आपका नवंबर
2019 दैनिक भास्कर उठाइए, उसमें स्टूडेंट्स 20 उपग्रह और खोजे गए हैं शनि के 20 उपग्रह और खोजे जाने की वजह से सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या जो है वो आपके शनि की हो गई है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति के उपग्रह नहीं खोजे गए हैं, बृहस्पति के टोटल उपग्रह 79 हो गए हैं और शनि के उपग्रह स्टूडेंट्स 82 हो गए। ये ध्यान रखिए, ये अभी करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हो गए हैं क्योंकि शनि के 20 उपग्रह और खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए स्टूडेंट्स, जो है ये जो दिखाया गया है ये गनीमेड, ये स्टूडेंट्स बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। गनीमेड यहां पे इसको दर्शाया गया है। ये स्टूडेंट्स पीले रंग का, इसका जो कलर है वो येलो कलर है। और दूसरी सबसे बात स्टूडेंट्स, ये 10 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाता है। इट मींस कहेंगे अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा घूमने वाला ग्रह आपका बृहस्पति है। गैसों से बना है, कहीं ना कहीं सूर्य के समान। वहीं 75% आपका हाइड्रोजन, 24% आपका हीलियम और 1% कहीं ना कहीं बाहरी तत्वों से ये निर्मित है। तो स्टूडेंट्स ये आपका बृहस्पति ग्रह, जो भी चीजें हैं परीक्षा के लिहाज से वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे जो बाहरी ग्रह दिखाया गया है यहाँ पे शनि ग्रह, ये जो स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं ये वलय है। वलय यानी कि इसके चारों ओर 7 वलय, थोड़ा इनको हम एक बार साफ कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स वलय वाला ग्रह है, वलय आकार, ये 7 वलय है। ये कुछ नहीं स्टूडेंट्स, गैसों के धूलकण मिट्टी के चक्र हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, शनि के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। स्टूडेंट्स शनि का जो द्रव्यमान है, घनत्व है, वो बहुत कम है, ग्रहों से भी कम है, पानी से भी कम है। तो यदि शनि ग्रह को पानी पे छोड़ दिया जाए तो शनि ग्रह तैरने लग जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। बताया मैंने अभी आपको कि सबसे ज्यादा उपग्रह जो हैं 82 स्टूडेंट्स वो किसके हो गए हैं, शनि के। दूरी बढ़ती है तो देखिए 29.5 वर्षों में अपनी यह परिक्रमा पूरी करता है, 29.5 वर्षों में यह अपनी परिक्रमा पूरी करता है शनि। इसके दो उपग्रह स्टूडेंट्स यहां पे दर्शाए गए हैं। इसका सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो है ट्रिटॉन। स्टूडेंट्स इसका दूसरा सबसे छोटा ग्रह है वो है रिया, जो यहां पे दर्शाया गया है। रिया सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है, टाइटन कह सकते हैं स्टूडेंट्स ट्रिटॉन को, टाइटन। ये इतना बड़ा है कि आपके बुध ग्रह के बराबर है, बुध ग्रह के बराबर आपका टाइटन उपग्रह है। कहीं ना कहीं घड़ी बनाने वाली कंपनी मेरे को याद आती है, टाइटन कंपनी, वो घड़ियां बनाती है। कहीं ना कहीं यहीं से उन्होंने कुछ आइडिया लिया होगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन है। दूसरे नंबर की बात करें तो रिया है। स्टूडेंट्स शनि भी 74% हाइड्रोजन, वहीं 24% हीलियम, वहीं 1% अन्य भारी तत्वों से जो है बना है। स्टूडेंट्स इसको गैसों का गोला भी कहते हैं, शनि को गैसों का गोला भी कहते हैं। प्लस गैलेक्सी के समान ग्रह, गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहते हैं शनि को। और स्टूडेंट्स परीक्षा में किस किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स टाइटन, इसकी खोज की गई थी 1665 में, 1665 में इसकी खोज की गई थी। क्रिश्चियन हाइजेन एक खगोल शास्त्री थे, क्रिश्चियन हाइजेन। सभी चीजें आप जो शनि ग्रह की हैं वो आप नोट करते रहेंगे। ये स्टूडेंट्स नारंगी कलर का, इसका जो रंग है वो नारंगी कलर का है।
कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे बृहस्पति का जो गनीमेड बताया था उसका रंग पीला बताया था, येलो कलर का था, लेकिन जो टाइटन है वो नारंगी कलर का है। 1665 में इसकी खोज की गई थी, क्रिश्चियन हाइजन एक विद्वान थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो स्टूडेंट्स, एकमात्र ग्रह है जिसको हम लास्ट नंगी आंखों से देख पाते हैं। टाइटन की स्टूडेंट्स एक विशेषता ये भी है कि एकमात्र उपग्रह है जहाँ पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है, कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण भी है। तो कहेंगे टाइटन के बारे में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगले को आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा है अरुण। अरुण की स्टूडेंट्स एक विशेषता ये है, देखिए रट्टा मत लगाइए, इसकी विशेषता देखिए। ये स्टूडेंट्स पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, अपने अक्ष पर यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो धरती की अपोजिट यहाँ पे सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है। जहाँ धरती पे पूर्व में सूर्य उदय होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पश्चिम में सूर्य उदय होता है। धरती पे जहाँ पश्चिम में सूर्यास्त होता है तो यहाँ पे पूर्व में सूर्यास्त होता है, क्योंकि ये धरती से अपोजिट घूमता है, अपने अक्ष पर ये अपोजिट दिशा में घूमता है। अरुण के बारे में स्टूडेंट्स देखिए, 1781 में इसकी खोज की गई थी। 1781 में एक विद्वान है विलियम हर्सल ने इसकी खोज 1781 में की थी। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी में सातवां सबसे बड़ा ग्रह आपका अरुण है। 10 घंटे 48 मिनट में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है। 10 घंटे 48 मिनट में थोड़ी दूरी ज्यादा बढ़ती है, सूर्य से थोड़ा काफी दूर है स्टूडेंट्स। तो ये 84 वर्षों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। देखिए स्टूडेंट्स, उष्मा गर्मी थोड़ा कम जाएगी तो ठंड बढ़ेगी। लगभग -215 डिग्री के आसपास तापमान अरुण ग्रह पे माना जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर वरुण है। तो ये नहीं कहेंगे कि सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह वरुण है, नहीं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह वरुण है, अरुण नहीं है। दोनों का आकार आकृति एक समान होने की वजह से, लगभग समान होने की वजह से इनको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जुड़वा ग्रह, पिछले वाले वीडियो में जाइए, कहीं ना कहीं शुक्र और पृथ्वी एक जैसे दिखाई देते हैं आकार में, तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आयतन द्रव्यमान अरुण और वरुण का सेम होने की वजह से इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये इसको हरा ग्रह भी कहते हैं, और लिखिए हरा ग्रह। आपसे पूछा जाए हरा ग्रह कौन सा है, आपका अरुण है। क्योंकि स्टूडेंट्स मीथेन गैस यहाँ पे पाई जाती है, मीथेन गैस ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मीथेन गैस के कारण हरा ग्रह। जिस तरह धरती पे पानी होने की वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अरुण ग्रह पे मीथेन होने के कारण इसको स्टूडेंट्स हरा ग्रह कहते हैं। ठीक शनि की तरह स्टूडेंट्स इसके भी वलय हैं, 10 वलय शनि की तरह है, ठीक इस पे भी 10 वलय हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। वलय मैंने बताया था गैसों के धूल कण, मिट्टी तो नहीं कहूँगा, इनका एक आवरण होता है जो इनके चारों ओर घूमता रहता है। लास्ट ग्रह की स्टूडेंट्स बात करते हैं, आइए वरुण। देखिए सबसे ज्यादा सूर्य से सबसे दूर, आकार में चौथे स्थान पे, 164 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। दूरी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स प्रकाश वर्षों में। तो स्टूडेंट्स सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि तापमान उष्मा गर्मी सूर्य की ना के बराबर वहां पे पहुंचती है तो ठंड बढ़ जाएगी। -218 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान इसका माना जा सकता है। स्टूडेंट्स ये इसकी खोज लिखिए 1840 में इसकी खोज, यहां पे लिख देता हूं मैं, 1840 में इसकी खोज जॉन गाले ने की थी। जॉन गाले जर्मनी के थे।
इनकी संरचना भी स्टूडेंट्स वही है, हीलियम है आपका, हाइड्रोजन है, मीथेन है। तो स्टूडेंट्स ये फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा आपको वीडियो के लास्ट में, ये चार स्टूडेंट्स ग्रह गैसीय ग्रह हैं। गैसीय क्यों हैं? क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी, सूर्य की गर्मी उष्मा प्रकाश नहीं पहुंच पाता। गर्मी उष्मा प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो कोई चीज़ विरल या गैसीय अवस्था के अंदर शुरू हो जाती है। ये स्टूडेंट्स आंतरिक ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह हैं, पथरीले हैं, पत्थरों से बने हैं, क्योंकि सूर्य के पास में है। सूर्य की गर्मी ज़्यादा पहुँचती है, ग्रेविटी ज़्यादा पहुँचती है, उस वजह से ये ठोस है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने आज लगभग जो हमारा सौरमंडल था, जो यूनिवर्स था, ये शायद पांचवा वीडियो है इसमें स्टूडेंट्स हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप ये पांचों वीडियो देखिए, आपका गैलेक्सी, आपके उपग्रह, आपके ग्रह, आपका सौरमंडल, मेरे हिसाब से जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स खुश रहिए, कमेंट्स लिखिए, आपको कैसी क्लास लगी बताइए मेरे को लास्ट में जाके कमेंट्स बॉक्स में। शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, आप मानते हैं बेहतर पढ़ाया गया है, अभी रेलवे की परीक्षा आ रही है, अच्छे से तैयारी कीजिए, खुश रहिए। तो स्टूडेंट्स जल्द ही अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।